क्लोथ ड्रायर का मॉडल जो है मैक्सी ड्राई 550 है, ठीक है। ये इसकी प्रोग्राम नॉब है, ठीक है। ये आपने क्लॉकवाइज ही चलानी है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं चलती है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये टूट भी सकती है, इसको क्लॉकवाइज ही घुमाना आपने। और इसके प्रोग्राम के ऊपर दो कलर दिए हुए हैं, एक रेड है एक येलो है, ठीक है। ये रेड वाला आ गया, ठीक है। ये आ गया आपका येलो वाला, ठीक है। अगर आपने नॉर्मल कपड़े धोने इसमें सुखाने हैं तो आपने रेड में रखना है। अगर थोड़े डेलिकेट हैं जो, तो वो इसमें इजी में आएंगे आपके, येलो वाले में। येलो वाला यहाँ ये निशान है आपका, इसके ऊपर रखना आपने, ठीक है। जैसे आपने मिक्स लोड दौड़ना है, और मिक्स लोड में दो कैटेगरी आती है, कपबोर्ड और आयरन। और आपको इसमें से कपड़े सुखा के सीधे कपबोर्ड में रखने हैं, फिर तो आपने 110 पे रखना है, ठीक है। वो हो गया यहां से, ये हो गया आपका 110 ये, ठीक है। अगर आपने आयरन ड्राई करने हैं उसके लिए आपने 80 पे रखना है, ये आ गया आपका, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका इजी केयर, जैसे सिंथेटिक्स वगैरह के कपड़े हैं, अगर वो कपबोर्ड में रखने हैं वो कपड़े, या आयरन ड्राई में रखने हैं। अगर कपबोर्ड में रखने हैं तो 65 पे रखने हैं, येलो कलर, ठीक है। ऐसे घुमाना है, 65 पे लाना है, ये आ गया 65 आपका, ठीक है। अगर इन्हीं कपड़ों को आपने प्रेस करने हैं तो उसके लिए आपने 40 पे रख देना है, ये आ गया 40 पे, ठीक है। उसके बाद आ गया आपके कॉटन्स के कपड़े, अगर आपने ड्राई करने हैं बिल्कुल, तो उसके लिए आपके आ गया 140 पे रखने हैं आपने, कॉटन के जो है ना उसके लिए रेड कलर, और 140 ये आ जाएगा इधर 140, ठीक है। और अगर आपने कॉटन के कपड़े प्रेस करने हैं तो 120 पे रखना है, इसको घुमा के 120 पे कर देना, ठीक है। उसके बाद अगर कपड़ों को रिफ्रेश करना है आपने, रिफ्रेश साइकिल अगर लगाना है तो वो 20 पे, हाँ वो 20 पे रखना है, ठीक है। उसके बाद जब आप इसमें कपड़े डालोगे तो कपड़ों में से कुछ उनके कई बार पेंसिल वगैरह होते हैं ना, वो निकाल देनी, चाबी वगैरह कॉइन वगैरह वो निकाल देना आपने, ठीक है। और जब प्रोग्राम सेलेक्ट करोगे तो कपड़ों का खास ध्यान रखना है कि जैसे कॉटन के कपड़े हैं या वुलन के हैं, उनको कॉटन वाला प्रोग्राम नहीं लगा देना आपने, फिर वो कपड़े खराब हो सकते हैं, ठीक है। अगर कॉटन के कपड़े हैं तो इजी केयर वाला नहीं लगाना, फिर उनको उस हिसाब से आपके टाइम नहीं है, ठीक है। इस चीज का आपने ध्यान रखना, ये हमेशा गोल ही फिराना है, मतलब ये क्लॉक वाइज ही चलेगा, क्लॉक वाइज चलता रहेगा। तो जनरली जो नॉर्मल घर के कपड़े होते हैं उसको वो नॉर्मल मोड में चलेंगे, थ्रेड वाले में। ओके, और जो एकदम मतलब डेलिकेट कपड़े हैं वो इजी में आ जाएंगे, येलो कलर में आ जाएंगे। जैसे आपने प्रोग्राम सिलेक्ट कर दिया और इसको बंद कर देना आपने, कपड़े डाल दूं? हाँ डाल सकते हैं आप, ऐसे ही चल पड़ेगा। आप इससे बिलो भी जा सकते हैं, जैसे 40 आप 30 भी कर सकते हैं। दुपट्टे वगैरह हो गए तो वो भी कर सकते हैं, वो इजी में जाए, जो आपके डेडिकेटेड हैं उनको कम कर सकते हैं।
उसके बाद ये सेफ्टी स्विच होता है, कभी जैसे बहुत ज्यादा यूज कर दिया, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है तो उसमें इमरजेंसी सेफ्टी स्विच होता है, तो ये कट कर देगा, फिर आपका ये बंद हो जाएगा, फिर ये चलेगा नहीं। तो थोड़ी देर के बाद ये फिर आप इसको प्रेस करके रीसेट कर सकते हो, ठीक है। और आपने हर ड्राइंग के बाद हर बार कपड़े सुखाओगे जब, तो ये फिल्टर होता है, ठीक है, इस फिल्टर को आपने निकाल के साफ करना, ऐसे खींचना बाहर को, ऐसे खींचना ये बाहर आ जाएगा, ठीक है, ये फिल्टर होता है, ये इसको जहाँ पे लिंट्स लग जाएंगे, जो भी फैब्रिक का वो निकलेगा ना रूम जैसे, तो यहाँ पूरा लग जाएगा, तो उसको आपने साफ करना है हर बार, हर बार। हाँ, क्योंकि अगर आप इसको साफ नहीं करोगे तो इसमें से एयर का फ्लो है वो कम हो जाएगा, उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, फिर आपके सुखाने में दिक्कत करेगा। फिर ऐसे ही इसको लगा देना और अंदर जाके ऐसे प्रेस करना है इसको, देखना बिल्कुल सेंटर में ऐसे, ठीक है।